इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपका बैंक अकाउंट IDFC बैंक में है तो दोस्तों आप जो है अपने IDFC बैंक के किसी भी ब्रांच का IFSC कोड कैसे पता कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, और दोस्तों आपको यह सर्च बार में टाइप करना है बैंक बैलेंस चेक। बैंक बैलेंस चेक टाइप कर देने के बाद देखिए आपके सामने यह वाला एप्लीकेशन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है, और दोस्तों इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब दोस्तों आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहां से इंग्लिश को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर सारे बैंक के लिस्ट आ जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर जो है आपको अपने IDFC बैंक को ढूंढ लेना है, तो अगर आपको यहां पर मिल जाता है तो फिर ठीक है। तो दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहां पर IDFC बैंक मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा IFSC कोड का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो है स्टेट को सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप यहां सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करिए, और दोस्तों आपका बैंक जिस भी राज्य यानी कि जिस भी स्टेट में है तो आप जो है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां से बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां ओके पर क्लिक करिए, और उसके बाद दोस्तों आपको सिटी को सिलेक्ट करना होगा, तो सिटी को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहां सिलेक्ट सिटी पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आपका वो बैंक जिस भी सिटी में है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं दोस्तों यहां से पटना को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा, तो ब्रांच को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहां सिलेक्ट ब्रांच पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आपका बैंक अकाउंट जिस भी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को आप सिलेक्ट करिए। मैं यहां से ब्रांच को सिलेक्ट कर देता हूं, और उसके बाद आपको यहां ओके पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहां IFSC सर्च पर क्लिक कर देना है, तो उसके बाद दोस्तों उस बैंक का IFSC कोड आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है IDFC बैंक का IFSC कोड पता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।